नमस्ते दीदी, सब आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बारिश हो रहा है, तो ब्लॉग आज मेरा थोड़ा लेट हुआ। सुबह सुबह खाना तो नहीं बनाया, आप लोग देख सकते हैं पकौड़ी बना था, तो ये हम लोग खा रहे थे। आज बारिश की वजह से बहुत लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा 3 दिन से बारिश हो रहा है, तो यही सब तो हम लोग खा रहे हैं। आप लोग भी खा लीजिए। देखिए हम लोग बनाए थे सुबह सुबह, और खाना अभी नहीं बनाया, बहुत लेट हो रहा है, बहुत जोर से बारिश हो रहा है। इतना बारिश की कुछ कहना, तो 3 दिन से बारिश की वजह से हम लोग परेशान हैं। इसलिए आप लोगों को दिखाते हैं, हम लोग कुछ ज़्यादा आसान नहीं कर पाए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो देखते हैं हम छाता लेके जा रहे हैं। इधर ये मेरा बकरी है जो कि कल से बंधा हुआ है, बारिश की वजह से ये चर नहीं पाई है, तो अभी इसको मक्के चला के पत्ता हम लोग खाने के लिए दे दिए हैं। और इधर देखिए हम छाता लेके जा रहे हैं बाहर में, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। कितना जोर से बारिश हो रहा है, और अभी हमारे इधर बाहर। चलो आप लोगों को एक ब्लॉग दिखा देती हूँ। क्या देखिए, आज बारिश का मौसम है और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग आज पकौड़ी बना रहे हैं। इधर देख सकते हैं आप लोग कितना बारिश हो रहा है 3 दिन से। तो देखिए बारिश की वजह से सारा काम इसी तरह है, कुछ काम भी नहीं किए हैं। इधर आप देख सकते हैं कैसे हम लोग गोबर जमा करके रख दिए हैं, गोबर भी आज फेंकने नहीं जा पाए हैं। इधर सब भैंस वगैरह सब कुछ बांध के रखे हैं, सबको भी चराने के लिए वहीं लेके गए हैं, सब बैठी हुई है। इधर मेरी बेटी बारिश में भीगते हुए भी आ गई है, देख सकते हैं आप, मेरी बेटी है ये। क्या कर रही खुशी? और इधर क्या बोलते हैं, आज दस्त जीत गया है ना, तो इसी के लिए मतलब सब खीर वगैरह बनाई है, जिसके लिए चढ़ाएगी, अभी पूजा वगैरह करेगी। इसीलिए मेरी चाची सब गई है मंदिर, तो मेरी बेटी भी इसी के पास जा रही है। तो चलिए हम चलते हैं घर। सारा काम बारिश की वजह से पड़ा हुआ है, कुछ काम भी नहीं हो पाया है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा गाँव का रोड कैसा है, देखिए कितना कीचड़ भरा हुआ है। ये रोड भी अच्छा नहीं है, गाड़ी चलता है इस वजह से पूरा गंदा हो गया ये। चाहे हम लोग को गाड़ी क्या चल पाएगा, हम लोग को भी चलना मुश्किल हो रहा है, कैसे चलेंगे इतना बारिश में, तबाह तबाह हो गए हैं। पता नहीं ये बारिश कब ख़त्म होगी, जो कि चैन से हम लोग रह पाएंगे। ऐसा तो इधर है नहीं कि गाँव की बहुत कीचड़ हो जाता है, हर तरफ तो ऐसा होता है कि बारिश ख़त्म हुआ सारा साफ हो जाता है। इतना तेज़ हवा चल रहा है, बहुत तेज़ से बारिश भी हो रही है, हम लोग देख सकते हैं कितना तेज़ है। तो चलिए चलते हैं घर, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, तो मेरा छाता भी टूटा हुआ है। तो चलिए अब ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग भीग जाएंगे। तो चलते हैं घर, मेरी बेटी पूरा भीग गई है। चलो बेटा, बहुत ज़ोर से बारिश होने लगा, तो चलिए अब चलते हैं, पकौड़ी वगैरह खा लिए, देखते हैं कि घर में कुछ खाना बनाया कि नहीं, तो जाके घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। तो देखिए पूरा पानी की वजह से पूरा खेत वगैरह सब कुछ भर गया है, इतना बारिश हुआ सारा जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना पानी जा रहा है इधर से, देखिए ये घर का पानी है जो कि बाहर निकल रहा है। इधर सारा खेत तरफ भी पूरा बहुत पानी हो गया है, आप लोग देखिए कितना हरा भरा था, और ये सब हर एक जगह पानी से भरा हुआ है, और इतना बारिश तेज़ हो रहा है, हवा भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। इतना बारिश की वजह से हम लोगों को घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा है, क्या बताएं, ठंडा भी नहीं लगता है बहुत ज़ोर से। अभी ठंडा का मौसम तो आया नहीं है, बारिश की वजह से ठंडा भी बहुत लगने लगा है। तो चलिए आप लोग एक बार मेरा गांव का नज़ारा देख लीजिए,
कैसा है। देखिए यही है हम लोगों का गांव। आप लोगों से ब्लॉग में इसीलिए जुड़ी हूँ ताकि अपना गांव के हर एक चीज़ आप लोगों को दिखा सकूँ, और मैं जो भी है ब्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी। साथ में मिलजुल के जैसे कि बांट उठ के खाते हैं उसी तरह हम लोग आपसे बात भी करेंगे। बात करने में भी हमको थोड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमको भी वीडियो बनाने में थोड़ा मन लगे। तो बस आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो भी थोड़ा लंबा होने जा रहा है, तो चलिए मिलते हैं कल का वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।